हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है वृषण और आप मेरे को देख रहे हो मेरे चैनल पे, जिसका नाम है वृषण भामरी फोटोग्राफी एंड ब्लॉग्स। और ये ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। इस ब्लॉग में हम थोड़े रेस्टोरेंट्स देखेंगे, थोड़े कैफेज़ देखेंगे, क्योंकि हिमाचल एंड पंजाब के बॉर्डर्स हो गए हैं बंद। सो जैसे कि हमने ब्लॉग प्लान किया था वैसा हो नहीं पाएगा, लेकिन इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आज के दर्शन जब हम चंडीगढ़ के कर ही रहे हैं तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड गौरव मुझे ज्वाइन करेगा। हम चलेंगे, कुछ ईटरीज देखेंगे, कुछ मस्ती करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो दिखाया था वो था चंडीगढ़ का आईफिल टावर, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कुछ अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस दिखाऊंगा। सो गौरव, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं सेक्टर 17 की मार्केट में। गौरव मेरे साथ है, तो गौरव मुझे बताएगा कि मार्केट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। गौरव, ये सेक्टर 17 एक इनिशियल सेक्टर है चंडीगढ़ का ना। ओके ओके, फुल प्लान था, फुली प्लान, सारा डेडिकेटेड टू शॉपिंग। यू गेट एवरी ब्रांड अवेलेबल। ओके, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट्स। ओके, सो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि यही वो मार्केट है सेक्टर 17 जिसके नीचे से हरप्पन सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स एंड जो चीज़ें बरी हो रखी थी वो मिली थी। तो अगर आप चंडीगढ़ आते हैं तो सेक्टर 17 मार्केट आइए इवनिंग में, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी इवनिंग एंजॉय कीजिए और शॉपिंग, जितनी शॉपिंग करना चाहते हैं आप शॉपिंग कीजिए। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं एक बड़े ही यूनिक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है फ्रैंकस्टर। ये है चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में। अब मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूं कि यहां पे किस तरह के क्यूजींस मिलते हैं और कैसा इसका एम्बियंस है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं एक बड़े ही यूनिक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है फ्रैंकस्टर, एंड आई एम जॉइंड बाय माय रिलेटिव वसुंधरा ऑन माय साइड। हाय हाय। सो बेसिकली वसुंधरा इज गोना टेल मी कि जगह इतनी फेमस क्यों है और इसका एम्बियंस तो आपको मैं दिखा ही चुका हूँ। तो वसुंधरा, ये जगह में ऐसा खास बात क्या है? इट इज एक्चुअली वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट्स इन चंडीगढ़। इफ यू लुक फॉर सिंगर्स, पंजाबी सिंगर्स, एक्टर्स, उनकी स्टोरीज में यू विल फाइंड दिस प्लेस वेरी ऑफ्टन। एंड द यूनिक थिंग अबाउट दिस प्लेस इज दैट यू नो एज द नेम सजेस्ट फ्रैंकस्टर, हर फूड आइटम के साथ द वे दे प्रेजेंटेड, सो दे मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। यू नो देयर इज अ लिटिल फ्रैंक एडेड टू ऑल द प्रेजेंटेशंस ओवर हियर। इफ यू लुक हियर द एंबियंस आल्सो इज वेरी नाइस। सो दिस द प्लेस व्हिच वी आर सिटिंग राइट नाउ, इट्स अ लाइब्रेरी सेक्शन। We have an open rooftop and
lot of other interesting things. There is a disco exactly. area as well. There's a bar here as well. So agar aap yahan aate hain, we landed up on a very on a dry day actually. हाँ so being 15th August dry day हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं लेकिन if you come dry day के अलावा आइएगा क्योंकि यहाँ के beverages बहुत अच्छे हैं and इस जगह को enjoy कीजिए. तो प्रैंकस्टर पे हमारा लंच बहुत अच्छा था. तो वसुंधरा एक बात बताओ, नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं? I'm gonna take you to Punjab University, a small drive. Although COVID की वजह से थोड़ा बंद है वहाँ पे, Stussy and everything, which was a very nice place to sit. But anyhow, हम वहाँ देखते हैं. TU, as we all know, is a very popular university and one of the best places to hang out with friends. Let's see. फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं जेसीस कैफ़े. ये भी चंडीगढ़ में ही है. यहाँ पे हम थोड़े पिज़्ज़ास खाएंगे, थोड़े से और बेवरेजेस लेंगे, अपनी इवनिंग एंजॉय करेंगे और चिल मारेंगे. और अब आगे देखते चलिए कि इसके इंटीरियर्स कैसे हैं और इसकी फूड प्रिपरेशन कैसी है. तो चलिए thank you.
तो फ्रेंड्स, आपने अभी जो भी देखा ये था चंडीगढ़ का इलांटे मॉल. इलांटे मॉल वन ऑफ गुड मॉल्स इन चंडीगढ़ एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स इन चंडीगढ़. अगर आप चंडीगढ़ आते हैं तो अपने आप को इन्जॉय कीजिएगा, काफ़ी सारी शॉपिंग कीजिएगा, अपना दिन रिलैक्स कीजिएगा और चंडीगढ़ के मज़े लीजिएगा. मैं आ गया हूँ कैफे बोट हाउस में. इलांटे मॉल की बिल्डिंग नंबर 2 में है. अगर आप चंडीगढ़ आते हैं तो इलांटे मॉल के इस बोट हाउस वाले रेस्टोरेंट में ज़रूर आइएगा, अपना मील एंजॉय कीजिएगा और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कीजिएगा. सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं पंचकुला. आई वांटेड टू ट्राई आउट अ न्यू कैफ़े जिसका नाम है विक्ट्री बॉम्बे. विक्ट्री बॉम्बे सेक्टर 20 पंचकुला में है. अगर आप यहां आते हैं तो एक्सक्लूसिव बेवरेजेस ट्राई कीजिएगा, अपनी इवनिंग एंजॉय कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही काम पीसफुल जगह है. एंड अपनी बेवरेजेस के सेक्शन को वाइजली चूज़ करके अपने ड्रिंक्स एंजॉय कीजिएगा. तो फ्रेंड्स, मेरा लास्ट स्पॉट हम पहुंच चुके हैं. ये स्पॉट है दास्तान रेस्टोरेंट जो सेक्टर 7 चंडीगढ़ में है. वन ऑफ द रियली गुड प्लेसेस टू कम एंड हैव योर फूड हियर. यहाँ की कुजीन सब ट्राई करेंगे, थोड़ा सा खाना मंगाएंगे, थोड़ी प्रेजेंटेशन देखेंगे और अपना टाइम एंजॉय करेंगे. तो वीडियो में आगे बने रहिए. फ्रेंड्स, होपफुली आपने इसे चंडीगढ़ के पहले के व्लॉग्स भी देखे हैं. अगर आपने चंडीगढ़ के पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे.